राम मंदिर निर्माण मुद्दे को बीजेपी जीवित रखकर अपनी राजनीति करना चाहती है और हनुमान की जाति का मुद्दा उठाकर दलितों के वोट लेने के लिए उत्तर प्रदेश में परपंच किया जा रहा है। हमीरपुर में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने प्रदेश की बीजेपी सरकार को कंफ्यूज्ड सरकार बताया है। साथ ही प्रेम कौशल ने बीजेपी पर वोट की राजनीति करने के आरोप लगाए और बीजेपी सरकार के एक साल को पूरी तरह से विफल बताया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है और सरकार को पता ही नहीं चल रहा है कि क्या करना है। उन्होंने कहा कि अपने ही फैसलों को कुछ दिनों बाद पलट देती है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा प्रताड़ित जिला हमीरपुर है, जहां पर बीजेपी नेता भी अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं, जिसका प्रमाण कई बार सोशल मीडिया में भी देखने को मिल रहा है। 4.5 वर्ष केंद्र में मोदी सरकार को सत्ता में आए होंगे और 4 वर्ष उनको न मंदिर की याद आई, न गाय की याद आई। 4 वर्ष का शासनकाल पूरा होने के ऊपर जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहे हैं, गाय और राम मंदिर, ये दो मुद्दे फिर लेके जो है वो जनता के बीच जाने का प्रयास कर रहे हैं और इन्हीं मुद्दों के ऊपर जो है वो देश को बांटने का भी प्रयास कर रहे हैं। ये एक्चुअली मंदिर नहीं बनाना चाहते, मंदिर बनाना इनका कभी मुद्दा नहीं रहा। मंदिर मुद्दे को जीवित रखकर उसके ऊपर राजनीति करना चाहते हैं, गाय के मुद्दे को जीवित रखकर उसके ऊपर राजनीति करना चाहते हैं। हनुमान जी को जिसने नहीं छोड़ा, हनुमान जी की जाति उनको कह दिया दलितों के वोट लेने के लिए, जहां दलित लोगों की संख्या ज्यादा थी वहां हनुमान जी को दलित बता दिया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इनकी कोई सीमा नहीं है किसी भी सीमा तक वोट की राजनीति करने के लिए, वोट हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता जा सकते हैं। और देश की जनता, मैं समझता हूं कि इस चीज को भरी प्रकार समझ रही है और इसका लाभ इस आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला नहीं है। अब हिमाचल सरकार भी इस माह में अपना 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने जा रही है और कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि इस 1 वर्ष में हिमाचल प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो पूरी तरह से जनता की जो उम्मीदें हैं, जनता की जो अपेक्षाएं हैं, उनके ऊपर खरा उतरने में विफल रही है। एक तरह से कन्फ्यूज गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ है, जिसको पता ही नहीं है कि करना क्या है, दिशाहीन जिसकी कार्य प्रणाली है, इसको ये पता ही नहीं, आज फैसला होता है कल बदल देते हैं। तो 1 साल का जो कार्यकाल रहा है ये इसमें विकास की दृष्टि से पूरा हिमाचल प्रदेश पीछे गया है और विशेष तौर पर मैं कहूँगा कि हमीरपुर जिला जो है इसके साथ तो भारी भेदभाव जो है वर्तमान मुख्यमंत्री जो है, वर्तमान सरकार जो है वो कर रही है। यहाँ को ना कोई नई कोई घोषणा हुई, ना किसी नए प्रोजेक्ट की यहाँ कोई बात हो रही है और मैं समझता हूँ कि हमीरपुर के जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो भी इस वक्त उत्पीड़ित और प्रताड़ित हैं वर्तमान सरकार में। उनकी भी कोई पूछ इस सरकार के अंदर नहीं है। हमीरपुर का भाजपा का कार्यकर्ता जो है वो भी परेशान है, वो भी जो नज़रअंदाज किए जा रहे हैं उससे वो भी परेशान है। पीछे आपने देखा सोशल मीडिया के ऊपर भी, अखबारों में भी इस तरह की टिप्पणियां आई। तो हमीरपुर जिले को तो वर्तमान सरकार ने हर दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, विकास की दृष्टि से बिल्कुल मैं कहता हूँ नज़रअंदाज कर दिया है। प्रेम कौशल ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि उत्तर प्रदेश में कुछ पार्टी संगठन ने कार्यकर्ताओं द्वारा सब इंस्पेक्टर को गोली मारना कानून व्यवस्था की दुर्दशा को बयान करता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये सब बीजेपी सरकार के संरक्षण में हो रहा है, जिससे जनता भी त्रस्त है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की पॉलिसी देश की जनता को बांटने का काम कर रही है। देश के अंदर जिस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी संगठन हैं, जैसे बजरंग दल हुआ, विश्व हिंदू परिषद हुई, दुर्गा वाहिनी एक इनका संगठन है, ऐसे संगठनों के जो कार्यकर्ता हैं वो खुलेआम गुंडागर्दी का नंगा नाच देश के अंदर कर रहे हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में आपने देखा एक पुलिस इंस्पेक्टर को गोली मार दी गई बुलंदशहर में, और इसी तरह की घटनाएं पूरे देश के अंदर जहां जहां विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें प्रदेशों में सत्ता में हैं वहां घट रही हैं। और ऐसा जो सत्तारूढ़ पार्टी है, सरकारें हैं, उनके संरक्षण में हो रहा है। तो इस तरह का जो ये गुंडागर्दी का खुला नाच देश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, इससे मैं समझता हूं कि आने वाले समय में देश का जो माहौल है वो एक गलत दिशा में जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, भारतीय जनता पार्टी की नीति, भारतीय जनता पार्टी की सोच देश को
बांटने की विचारधारा के आधार पर काम कर रही है।